नमस्कार दोस्तों, आपको जैसा पता है कि भगवान राम के मंदिर का राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है। इस शुभ अवसर पर देशवासियों ने तरह तरह के भगवान राम को आस्था दिखाते हुए तरह तरह के किसी ने गीत गाए, किसी ने भगवान राम के मंदिर का निर्माण किया, कोई दीपोत्सव कर रहा है। और क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रहते हैं, तो मैं आज आपको बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूं कि कस्बा खीरी की जो एक गायिकार है अयमन अंसारी, उन्होंने भी भगवान राम के चरणों में एक अपना गीत प्रस्तुत किया है और ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल हो सकती है। आइए हम बात करते हैं अयमन अंसारी से और उनका वो गीत वो भजन उनसे सुनाते हैं आपको। अयमन, आपको मेरे चैनल पे एक बार अपना प्रोग्राम दे चुके हैं और मैं दूसरी बार आपसे मिल रहा हूँ, कैसा लग रहा है आज दूसरी बार आपको मुझसे मेरे साथ? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानना चाहूँगा क्या आपके दिमाग में क्या विचार आया, क्या सोच आई कि आपने इस प्राण प्रतिष्ठा के टाइम में जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है तो आपने एक भजन बहुत अच्छा सा गाया है, तो क्या आपने सोचा है? क्योंकि आप एक मुस्लिम बस्ती में रहती हैं, आपके चारों तरफ मुस्लिम्स हैं और आप भी मुस्लिम हैं, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या आया? दिमाग में तो ये आया सर कि अभी 22 जनवरी को तो उद्घाटन है राम मंदिर का और इसी बीच एक भजन बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो मुझे लगा क्योंकि 22 जनवरी को उद्घाटन तो मुझे भी राम जी के लिए ये भजन गाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये भजन गाया। ये भजन आपको कहाँ से मिला, किसने लिखा है, आपने लिखा है या किसी कवि किसी शायर ने लिखा है? जी जिन्होंने लिखा है, मुझे उनका नाम तो नहीं ख्याल में है बट ये मैंने नहीं लिखा है। जी तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे दर्शकों को वो भजन सुनाएं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी इसे कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जहां हिंदू
और मुस्लिम सब मिलके एक साथ रहते हैं। हम दिवाली मनाते हैं और हमारे हिंदू भाई ईद में हमारे घर को आते हैं। राम जी का मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, राम जी के मंदिर का निर्माण हुआ, मुसलमान कौम कैसे खुश न हो, क्योंकि राम हम सब के हैं और हमने सब मिलकर, हम सबको मिलकर इतना बड़ा ये उत्सव मनाना है। इसी कड़ी में अयमन अंसारी ने जो ये भजन सुनाया है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है।